जनपद महोबा से इस वक्त की खबर। शादी समारोह में लड़की के पिता से हुई 12 लाख रुपए की टप्पेबाजी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दो आरोपी। महोबा शहर के एक होटल में दिन दहाड़े शादी समारोह के दौरान 12 लाख रुपए की टप्पेबाजी का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। आरोपियों की करतूत होटल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लड़की के पिता शादी के लिए रखे 12 लाख रुपए जाने के सदमे में है, तो वहीं पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। दोनों आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद दिनदहाड़े टप्पेबाजी की यह वारदात महोबा शहर के RRC होटल की है, जहां पर चल रहे विवाह समारोह के दौरान अज्ञात दो युवक 12 लाख रुपए की टप्पेबाजी कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि RRC होटल में सिंचाई विभाग से रिटायर्ड कर्मी शिवराम सेन मिले फंड से अपनी बेटी आकांक्षा सेन की शादी के लिए तिलक के कार्यक्रम में रिश्तेदारों के साथ उलझे हुए थे। तभी दो अज्ञात युवक होटल में बने स्टेज पर पहुंचे और शिवराम के पास रखे रुपए से भरे बैग को गायब कर दिया। 12 लाख की रकम से भरा बैग गायब हो जाने से अचानक ही खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। सीसीटीवी कैमरे में भी साफ यह देखने को मिला है जब पिता स्टेज पर बैठे हुए फोन पर बात कर रहे थे, तभी एक युवक उनके बगल में बैठ गया और अचानक रुपयों से भरा बैग लेकर चला गया, जबकि उसका दूसरा साथी उसके साथ साफ देखा जा सकता है। परिजनों ने घटना की सूचना शहर कोतवाली में दी। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया और टप्पेबाज दोनों युवकों की फोटो निकाल कर तलाश शुरू कर दी। शादी समारोह में हुई इस टप्पेबाजी से लड़की का पिता सदमे में है। समाचार A2Z के लिए महोबा से मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। शिवराम जी की लड़की की वो भराई और प्रख्यात का कार्यक्रम था और ये लोग वो शिवराम यहाँ आके स्टेज पर बैठे हैं। उन्हीं के पीछे पीछे वो लड़का आया, उनने बैग रखा और बैग लेके गायब हो गया। सभी लोग बैठे बैठे देखते रहे, किसी को कोई अंदाज लगा ही नहीं। होटल मालिक जब वो चिल्लाने लगे बैग बैग चला गया तो इकट्ठा सारा कार्यक्रम उसी में हो गया। कार्यक्रम शुरू ही हो रहा था और ये घटना घट गई। कैश था और 12 लाख रुपए कैश था और जंजीर पंजीर अंगूठी वंगूठी सब था कार्यक्रम में। किस होटल का मामला है? ये RRC होटल का मामला है। हाँ, पुलिस को FIR के लिए कहा, उनके मैनेजर के लिए भेजा उनको। कितने लोग समझ में आ रहे कौन से? अंदाजी नहीं लग रहा है कि होटल के मालिक मैनेजर के हैं कि किसके हैं। भाई लड़की पक्ष का तो कोई है नहीं, लड़के पक्ष का भी नहीं है। इसको देख के पूरा वो काम किया गया। जी, शहर कोतवाली के RRC होटल में करीब 13 लाख रुपए की टप्पेबाजी करने की घटना सामने आई है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा, क्या सूचना अब तक पुलिस को लगी है? आइए, एक होटल में आज एक एंगेजमेंट सेरेमनी थी जिसमें लोग शामिल होने के लिए गए हुए थे। ये लड़की वाले का जो एक बैग में लगभग 12 लाख रुपए वो बता रहे हैं उनके पास रखे हुए थे और ये वो पूजा की तैयारी में व्यस्त हो गए। उन्होंने बगल में बैग रख दिया और वो बगल में से एक लड़का जो है वो बैग उठाकर चला गया है, जिसका कुछ फुटेज भी है हम लोगों के पास। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है और जो अपराधी हैं और अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। इस तरह की घटना ना हो, अन्य ना हो, इसके लिए भी कुछ टीमें आपके द्वारा लगाई जाएंगी? नहीं, ना हो उसके लिए जो वादी पक्ष है उन्हें भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लोग शादी विवाह के समारोह में इस तरह के कतिपय लोग अक्सर आते रहते हैं, तो उसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाकी हमारी दो टीमें इसमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा।